फेस्टिवल का सीज़न स्टार्ट हो चुका है एंड मार्केट से हर बार तो काफ़ी सारी मिठाइयाँ आ जाती है, बट इस फेस्टिवल आप मेरे साथ बिल्कुल सिंपल से एक बर्फी की रेसिपी ट्राई करो। इस बर्फी की रेसिपी को बनाने के लिए आपको घंटों किचन में टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है एंड बहुत ज़्यादा जल्दी बनने वाली रेसिपी है। सो आज मैं आपके साथ दो लेयर वाली बर्फी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, आपको एक ही बर्फी में दो दो फ्लेवर मिल जाएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सौम्या और आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। सो रेसिपी को बिल्कुल एंड तक वॉच करिए ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए एंड रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ खोआ। सो इसकी क्वांटिटी 1/2 kg है एंड इसे मैंने घर पर ही रेडी किया था। सो जब मैं इसे बना रही थी तो मैंने इसमें चीनी ऐड कर दिया है। सो इस रेसिपी में चीनी ऐड नहीं करूँगी, बट आपको मैं बता दूँ कि आपको किस स्टेज पर चीनी ऐड करना है। एंड मैंने खोआ को ग्रेट कर दिया है ताकि आसानी से डिजॉल्व हो जाए। सो पूरा खोआ को एक कढ़ाई में करेंगे ट्रांसफ़र एंड फ्लेम को ऑन कर देंगे। एंड अब हम खोआ को अप्रॉक्स 10-12 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा सूंधा सा फ्लेवर आ जाए। एंड जब खोआ मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए और अगर आपने 1/2 kg खोआ लिया है तो उसमें 1/2 कप चीनी ऐड करना है। ये जो भूनने वाला स्टेप है इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। भूनने से जो हमारा बर्फी है उसमें काफ़ी अच्छा से एक फ्लेवर आ जाएगा। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट खोआ को यूज़ नहीं कर सकते हैं क्या बर्फी के लिए। सो नहीं, 10-12 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनना है ताकि अच्छा से एक हमारा फ्लेवर आ जाए बर्फी में। तो देख सकते हो मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है, तो अभी 3-4 मिनट हुआ है और कम से कम 7-8 मिनट के लिए इसे और भूनेंगे। एंड हाथ को बिल्कुल भी नहीं रोकना है, कंटिन्यू चलाते रहना ही है क्योंकि तली में काफ़ी जल्दी चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। सो अप्रॉक्स मुझे 10-12 मिनट का टाइम हो चुका है एंड देख सकते हो इसमें हल्का गोल्डन कलर भी आ गया है और काफ़ी सारा घी रिलीज़ कर रहा है। सो इस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे एंड मैं जो खोआ है उसे दो पार्ट में डिवाइड कर ले रही हूँ। एक पार्ट को मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है, एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। एंड जो एक पार्ट बचा हुआ है उसमें 1/3 कप डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर रही हूँ एंड फ्लेम ऑफ में ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम ऑन करके अब पकाना नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड कर सकते हो जैसे इलायची का पाउडर, बट मैंने नहीं ऐड किया है, बस मैं यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट का फ्लेवर रहने दे रही हूँ। सो लास्ट आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। तो चलिए फर्स्ट लेयर को अब सेट कर लेते हैं। सो सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर ट्रे लिया है, आप कोई दूसरा बर्तन ले सकते हो जिसमें बर्फी आसानी से सेट हो जाए। सो ट्रे को अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर पार्चमेंट पेपर भी लगा सकते हो। सो जितना बर्फी का मिक्सचर है उसे मैं यहाँ पर रख दे रही हूँ और अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। आप सेट करने के लिए हाथों का या फिर स्पैचुला का यूज़ कर सकते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग नीचे में व्हाइट वाला या फिर चॉकलेट वाला लेयर रख सकते हो। सो आज मैं व्हाइट वाला लेयर नीचे रखूँगी और जो चॉकलेट वाला ऊपर रखूँगी। सो काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बर्फी का जो फर्स्ट लेयर उसे प्लेन कर दिया है, तो अप्रॉक्स 10-15 मिनट्स के लिए इसे फ्रीज में रखेंगे ताकि थोड़ा हार्ड हो जाए। एंड अब चलिए दूसरा लेयर रेडी कर लेते हैं। सो जो दूसरा लेयर का मिक्सचर है उसमें मैं 2 बड़ा चम्मच कोकोया पाउडर ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। सो मैंने यहाँ पर नॉर्मल वाला कोकोया पाउडर यूज़ किया है, आप चाहो तो डच वाला कर सकते हो। सो उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम लगेगी। एंड सेकेंड लेयर भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो कितना शाइनी है। सो चलिए इसे भी सेट कर लेते हैं। तो फ्रीज़ में रखना काफ़ी ज़रूरी है, वरना जो सेकंड लेयर सेट करोगे तो जो नीचे वाला है वो खसकने लगेगा। सो दोनों लेयर को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से सेट कर दिया है एंड अब इसमें कट लगाएंगे। आप अपने हिसाब से बड़ा या फिर छोटा बर्फी को कट कर सकते हो। ये बर्फी बनने के बाद अप्रॉक्स आपको 1/2 kg से ज़्यादा हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पर इतना बर्फी का 8 पीस किया है, आप अपने हिसाब से थोड़ा छोटा भी रख सकते हो। एंड अब मैं आपको इसका टेक्स्चर तोड़ कर दिखाती हूँ कि कैसा रेडी हुआ है। सो फाइनली आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, बिल्कुल नरम सा है। कई बार क्या होता है जब हम घर पर बर्फी बनाते हो तो चिपचिपा सा हो जाता है, दांतों में काफ़ी ज़्यादा चिपकता है, तो इस बर्फी में वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड आप चाहो तो इसमें किसी और तरीके का डेकोरेशन कर सकते हो जैसे पिस्ता से, रोज़ पेटल से या फिर आप सिल्वर बर्क लगा सकते हो। सो मे बी फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी एंड रेसिपी अच्छी लगी है तो ढेर सारे लाइक्स करिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि वो भी ट्राई कर सके इस फेस्टिवल सीजन में। एंड रेसिपी अच्छी लगी है एंड अगली रेसिपी देखनी है मेरी, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो छोटा सा नोटिफिकेशन भी लगा उसे प्रेस करके पक्का से ऑल कर लेना, तभी मैं कोई कल वीडियो डालूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। सो मिलती हूँ कल एक ऐसी रेसिपी के साथ, अब तक के लिए बाय, टेक केयर।